इस रत्न में अपार शक्तियां हैं जो किसी को महामानव तो किसी को दानव बना सकती है। रत्न के गुणों की तरह ही यह जल भी मनुष्य के स्वाभाविक गुणों और अवगुणों पर काम करता है। इस जल से किसी भी रोग या दोष का उपचार किया जा सकता है। तुम चाहते हो कि अमृता की स्मरण शक्ति फिर लौट आए? इस प्रयास को तुम स्वयं भी कर सकते हो। आओ। जाओ रणधीर, मुझे ज्ञात है तुमने अमृता के लिए कितने कष्ट सहे। इस अलौकिक जल से अमृता बिल्कुल ठीक हो जाएगी। एक कदम और आगे बढ़ाया तो तुम्हारा अंत निश्चित है। मुझे सब याद आ गया। रणधीर, तूने मुझ पर भरोसा करके मुझे यहां लाकर बहुत बड़ी गलती की है। ये रत्न अब मेरा होगा, सिर्फ मेरा। आपने मुझे मेरी लाइफ की सबसे बड़ी खुशी दे दी। मैं आपको बता भी नहीं सकता कि मैं थैंक यू। देखा अंश, देख अमृता पूरी ठीक हो गई यार, उसकी आदर्श वापस आ गई। इस पानी में यार कोई मैजिक है। तू भी चल, तू भी ठीक हो जाएगा। तू ठीक हो जाएगा तो मुझे मेरा पुराना दोस्त, मेरा भाई मिल जाएगा। तू मेरा भाई वापस बन जा यार। चल आ जा, चल आ जा, आ जा अंश। ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा? तू अपनी लाइफ ठीक कर सकता है पर मेरी नहीं। क्या चाहता है तू? पहले वाला अंश बनकर क्या करूं मैं? तुम दोनों का रोमांस देखो। हाँ, मैं हैवान ही ठीक हूं। और मेरी बात याद रख रणधीर, अमृता को मैं अपना बनाकर ही रहूंगा, चाहे उसके लिए मुझे तुझे मारना क्यों ना पड़े।
ठीक हो जाएगा अंश। तू ऐसा नहीं था अंश, तू बुरा नहीं था, ये सब मेरी वजह से हुआ है, पर तू ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। मुझे ठीक नहीं होना, मुझे हैवान बने रहना है। अंश पर इस पानी का असर क्यों नहीं हुआ? इस जल से वही ठीक हो सकता है जिसमें स्वयं ठीक होने की इच्छा हो। यह अंश तो मानव ही नहीं बनना चाहता। ये जीवित नहीं रह सकता। इस घाटी में ऐसे दुष्ट लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। एक मिनट प्लीज। इंसान चाहे अच्छा हो या बुरा हो, हम उसकी जान नहीं ले सकते। प्लीज ऐसा मत कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा कि धर्म की रक्षा के लिए अधर्म और उसका साथ देने वालों के साथ युद्ध करना होगा, फिर चाहे उसमें अपने परिजन ही क्यों ना हो। धर्म से बढ़कर कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं। पापा प्लीज प्लीज, ये बुरा नहीं है। आप प्लीज अंश को हर्ट मत कीजिए। मैं इसकी गारंटी लेता हूँ, मैं ठीक करूंगा इसे, मैं करूंगा इसे ठीक, ये ठीक हो जाएगा। मैं इसे जीवन दान देता हूँ, पर मैं इस पर भरोसा करने में असमर्थ हूं। तुझे ठीक होना पड़ेगा अंश। शांत हो जाओ। क्या हुआ बाबा, सब ठीक है? अश्वत्थामा जंगल में प्रवेश कर चुका है, अंततः उसे मानचित्र मिल ही गया। वो आ गया है, वो अपना रत्न हासिल करने के लिए आ गया है। हमें कुछ करना होगा। अगर अश्वत्थामा को मारा नहीं जा सकता तो उसे हराने का दूसरा तरीका क्या है? ब्रह्मास्त्र। बस वही एक अस्त्र है जो अश्वत्थामा को हरा सकता है। यह महास्त्र ब्रह्मास्त्र है। यह अश्वत्थामा का अंत तो नहीं कर सकता, पर उसे लंबे समय के लिए सुला अवश्य सकता है। और एक बार अश्वत्थामा निद्रा योग में विलीन हो गया तो हम उसे बंदी बनाकर ऐसे कारागार में रखेंगे जहां से वो कभी भाग नहीं पाएगा। रुको, तुम इसे इस तरह से नहीं छू सकते। सैनिक, ब्रह्मास्त्र उठाओ। ओह माय गॉड, देखा, कोई इसे इस तरह से नहीं छू सकता। इसे ग्रहण करने और उपयोग करने का चयन ये अस्त्र स्वयं करता है, और वो लाखों करोड़ों में कोई एक ही होता है। तो अब हम क्या करेंगे? हमारे कुटुंब के पास दो ब्रह्मास्त्र हैं। एक ब्रह्मास्त्र लेकर मेरे योद्धा अश्वत्थामा पर आक्रमण करने के लिए निकल चुके हैं, वो पहुंचने ही वाले हैं। बेवकूफ समझ रही थी, काफी अच्छे आइडियाज हैं उसके पास। आई थिंक तुम्हें जाना चाहिए और देखना चाहिए। जी, मैं तो थक गया। वैसे मौसम कितना अच्छा है ना। मेरी बात सुनो, हमें इन लोगों पे भरोसा नहीं करना चाहिए। क्या जरूरत क्या थी इन्हें साथ लाने की? दिशा, दिशा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? कभी तो मुझे समझने की कोशिश करो। देखो, युद्ध में कभी कभी अस्त्र वो काम नहीं कर पाते जो ही मनुष्य और इनकी भावनाएं करती हैं।
महाभारत देखा करो, सीखने मिलेगा। मैं अपने शत्रुओं को हराने के लिए इनका इस्तेमाल करूंगा, सही समय और सही जगह पे। जी वैसे यहाँ का मौसम कितना अच्छा है ना, हम बाद में कभी पिकनिक करने आ सकते हैं। यू इडियट, तुम्हें पिकनिक सूझ रही है? हम यहाँ पे अपनी लाइफ को रिस्क करके रत्न को ढूंढने के लिए निकले हैं और तुम पिकनिक मनाना चाहते हो? हाँ पर जल्दी चलो, इतना अच्छा वेदर है, इतनी अच्छी जगह, थोड़ा रिलैक्स भी नहीं कर सकता आदमी। चलो चलो जल्दी चलो, पता नहीं कितनी दूर जाना है। तुम जैसा आदमी मेरा हस्बैंड कभी हो ही नहीं सकता। मेरे हस्बैंड तो वो है अंश। पहले वाला अंश बनकर क्या करूं मैं? तुम दोनों का रोमांस देखो, मैं हैवान ही ठीक हूं। और मेरी एक बात याद रखना दीर, अमृता को मैं अपना बनाकर ही रहूंगा, चाहे उसके लिए मुझे तुझे मारना क्यों ना पड़े। क्या हो गया जान, क्या सोच रही हो, इतनी टेंशन क्यों ले रही हो? कहीं ये तो नहीं सोच रही कि ये पहले जैसे सब क्यों हो गया, मैं ठीक क्यों हो गई? ऑफ कोर्स खुश हूं, पर अंश ने हमारे साथ जो कुछ भी किया सबके बारे में सोचकर इतना डर लग रहा है। क्या कुछ हुआ होगा, कहीं उसने मेरे साथ? कुछ गलत नहीं हुआ है, ट्रस्ट मी। मैं तुम्हें याद नहीं था, लेकिन तुम हमेशा से मुझे याद थी ना, हमेशा मेरी आंखों के सामने थी। मैंने तुम्हें एक सेकंड भी अपनी आंखों से दूर नहीं होने दिया, और जब तुम मेरी आंखों के सामने नहीं थी तो मेरी सोच में थी। मैंने एक बार भी तुम्हें उसे तुम्हारे साथ अकेले नहीं छोड़ा, कुछ नहीं किया उसने। जानते हो रणधीर, जब मैं तुम्हारे साथ उस पानी में खड़ी थी उस वक्त, ऑफकोर्स मैंने भगवान से मांगा कि मैं जल्द से जल्द ठीक हो जाऊँ, लेकिन उसके साथ साथ मैंने ये भी मांगा कि हमारे प्यार की जिंदगी बहुत लंबी हो। वाओ, देखा तुमने ये भूल कैसे अपने आप? तुम्हें पता है फिल्मों में जब ऐसा होता है तो इसका क्या मतलब होता है? क्या मतलब होता है रणधीर? इसका मतलब भगवान ने मेरी प्रेयर सुन ली। इसका मतलब भगवान भी जानते हैं कि हम इतनी आसानी से एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। आई थिंक मेरी याददाश्त आने के बाद ना हम दोनों कुछ ज्यादा ही फिल्मी हो गए। ए अमृता, How dare you? फिल्मों के बारे में मैं कोई भी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर सकता। हाँ अमृता, हमारी लव स्टोरी भी किसी फिल्म से कम नहीं है। इसमें ड्रामा है, एक्शन है, रोमांस है, और तुम जानती हो मैंने इस पेड़ के बारे में ना कई स्टोरी सुनी है बचपन में डैड के मुंह से। इस पेड़ में कई सालों के बाद फूल खिलते हैं, वो भी 3-4 दिनों के लिए। Really? Really? लेकिन इस पेड़ का हमारी लव स्टोरी के साथ क्या लेना देना? क्या कनेक्शन है? मतलब बेबी, हमारी लव स्टोरी भी ना इस पेड़ के जैसे स्पेशल है। हाँ, इसलिए तो ये फूल के गिरने की टाइमिंग, और भगवान भी शायद स्पेशल चीजें उन लोगों के लिए प्लान करता है जिनकी लव स्टोरी स्पेशल होती है। Oh,
तो जानते हो, तो हमारे जब छोटे 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 बच्चे हो जाएंगे ना, तो हमें उनके लिए स्टोरी बुक्स खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि हमारी लव स्टोरी इतनी लंबी और इंटरेस्टिंग है, हमारी लव स्टोरी सुनते सुनते वो बड़े हो जाएंगे। रणधीर, आई लव यू। अमृता, एक बात बताओ, आजकल ना जब भी तुम्हें मौका मिलता तो ऐसे रोमांटिक हो जाती तुम। अभी ना हमें मिशन पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। ओके, ठीक है। अरे जान, मजाक कर रहा हूँ। आई लव यू टू। आई लव यू। अच्छा सुनो, हमारी सिर्फ दो प्रायोरिटीज है, दो इम्पोर्टेंट चीजें करनी है हमें। सबसे इम्पोर्टेंट, हमें अपने डैड के मिशन को पूरा करना है और इसके बाद अंश को ठीक करना है। ओके? और उसके बाद की लव स्टोरी शिमुद्रा। ओके? ओके। इडियट, मुझे भी कुछ नहीं दिख रहा है। कौन है यहाँ पे? कौन है यहाँ पे? हाँ, कौन है यहाँ पे? लगता है कोई भयंकर विपदा आने वाली है। लगा ये बाण मुझे लग जाएंगे? जिसने तुम्हें भेजा उसने तुम्हें बताया नहीं कि मैं मर नहीं सकता? मैं अश्वत्थामा हूं, अश्वत्थामा। तुम्हारे ये बाण, ये शस्त्र मेरा कुछ नहीं कर सकते। मनुष्य तो क्या, देवता और दानव भी मेरा कुछ नहीं कर सकते। मैं अमर हूं। रही है जो मुझे अंतकाल तक सुला सकता था। तुमने मेरी सहायता की, मेरी रक्षा की, मैं तुम्हारा आभारी हूं। Oh, come on, please. मैंने तुम्हें तुम्हारे लिए नहीं, मैंने तुम्हें अपने लिए बचाया। You know I like you, right? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करती? अब तो तुम्हें भी कुछ नहीं होने दूंगा। आज तुम्हारी वजह से यह शस्त्र मेरे पास है, जिससे मैं युगों पहले हारा था। मेरी खुशियां, मेरा रत्न, मेरी ताकत, सब कुछ मुझसे छिन गया था। और आज, आज मेरे पास ब्रह्मास्त्र है। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं हरा सकता, कोई नहीं। क्या हुआ गुरुदेव, आप लोग इतना परेशान क्यों लग रहे हो? अश्वत्थामा पर आक्रमण में हमारी पराजय हुई है, हमारी योद्धा मारे गए हैं,
और सबसे निराशाजनक बात यह है कि हम अपना एक ब्रह्मास्त्र हार गए हैं और वो ब्रह्मास्त्र अश्वत्थामा के पास है। अब वो और भी शक्तिशाली हो गया है। ओह माय गॉड, अश्वत्थामा के पास ब्रह्मास्त्र। अब उसे रोकना और मुश्किल हो जाएगा गुरुदेव। अश्वत्थामा किसी को नहीं छोड़ेगा। वो अपने श्राप का बदला पूरी दुनिया से लेगा। सबको मार देगा, सबको खत्म कर देगा। शांत बेटा, शांत। ये समय चिंतन करने का नहीं है, अपितु कोई रास्ता ढूंढने का है। अभी अश्वत्थामा यहाँ से मीलों दूर है। हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। आओ हम सब मिलकर कोई ना कोई उपाय सोचते हैं। अमृता, देखा तुमने उनके चेहरे पर नर्वसनेस देखी? ऐसा लगता है अश्वत्थामा से लड़ने से पहले ही उन्होंने हार मान ली। मुझे भी ऐसे ही लग रहा है रणधीर। ये सब मेरी वजह से हुआ है, सब मेरी गलती है। ना ही वो मैप मुझे मिलता और ना ही वो मैप अश्वत्थामा के हाथ लगता। उसी मैप को फॉलो करते करते वो यहाँ घाटी तक आ रहा है। अगर हम हार गए ना तो ये सब मेरी गलती है। नहीं रणधीर, तुम खुद को ब्लेम करना बंद करो। इसमें तुम्हारी क्या गलती है? तुमने जो कुछ भी किया है सही किया है, सोच समझ कर किया है। तुम्हारे इंटेंशंस गलत नहीं थे। इस तरह हारने की बातें मत करो। तुमने जो कुछ भी किया है उसमें सच्चाई है। तुम ये लड़ाई हार ही नहीं सकते। और वैसे भी जो इंसान दुनिया की सबसे मुश्किल चीज जीत चुका है, यानी कि मेरा दिल, उसके सामने ये लड़ाई क्या है? मैं सच कह रही हूँ, अश्वत्थामा का रत्न मेरे दिल के मुकाबले कुछ नहीं है। ट्रस्ट मी, सब ठीक हो जाएगा। You're right. अगर मैं फिर से तुम्हारा दिल, तुम्हारा प्यार जी सकता हूँ तो किसी भी मुश्किल का सामना कर सकता हूँ। लेकिन अमृता, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। हमें कुछ ना कुछ करना होगा यार, कोई तो प्लान बनाना होगा। अगर वो यहाँ तक आ गया ना तो कुछ भी कर सकता है यार वो। रणधीर, नो! ब्रह्मास्त्र तुम्हारे हाथों में? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? ऐसे कैसे? गुरुदेव ने तो कहा था कि यह अस्त्र खुद चुनता है कि कौन इसे छू सकता है। कोई ऐसा जो लाखों में एक हो? अमृता, शायद वो ऐसे ही डरा रहे हो, शायद इसे कोई छुए ना। नहीं नहीं नहीं, तुमने उस सैनिक की हालत देखी जिसने इसे छूने की कोशिश की थी? इस अस्त्र को सिर्फ तुम छुपा रहे हो। इसका मतलब कि अस्त्र ने तुम्हें चुना है। तुम हो वो लाखों में एक। हाँ रणधीर, जल्दी करना। Thank God, दरवाजा खुल गया। मुझे सलून का अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। इतनी गर्मी में मेरी त्वचा बिगड़ गई है बिल्कुल। उफ। आपको पता है, मतलब फर्स्ट टाइम में मुझे छोटे होने का फायदा हुआ है। वो एग्जॉस्ट फैन होता है ना, उसकी जो विंग्स के बीच में क्या पता है, वहां से घुस के आया हूँ मैं। अरे ये सब तो ठीक है, लेकिन अमृता और रणधीर का पता करो, कहाँ है, किस हाल में है। मेरा तो मन सोच कर ही घबरा रहा है कि अब उनके दुश्मन जिया और गोविंद नहीं, अश्वत्थामा है। अश्वत्थामा अंकल, आप टेंशन मत लो, आई फाइंड आउट की सर और अमृता मैम कहाँ पे। क्या सोच रहे हो तुम, मुझे भी बताओ। अश्वत्थामा को हराने का मेरे पास एक प्लान है।
अब हमारे समक्ष एक ही विकल्प है, हमें ब्रह्मास्त्र का उचित उपयोग करना होगा जो अश्वत्थामा को गहन निद्रा में डाल देगा। युगों युगों से अश्वत्थामा को हमारी घाटी के बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं था, परंतु अब मानचित्र उसे मिल गया है। वो हमारी घाटी की तरफ आ ही रहा होगा। हमें भूख प्यास निद्रा सब त्याग कर अपनी घाटी की रक्षा करनी होगी। गुरुदेव, गुरुदेव, अंश कारागार से भाग गया है। क्या? जाओ, जल्दी जाओ, उस हैवान का पीछा करो। तुम्हारे कहने से मैंने अंश को जीवन दान दिया, और देखो हम पर ही प्रहार कर रहा है वो, हमारे ही योद्धाओं को मार रहा है वो। हमें संदेह है कि वो अश्वत्थामा के साथ मिलकर हमारे विरुद्ध षड्यंत्र रचेगा। अंश को जीवन दान देकर तुमने अश्वत्थामा को और शक्तिशाली बना दिया है। मुझे नहीं लगता वो प्रयोग अब तुम पूरा कर पाओगे जो तुम्हारे पिता दीपा का अग्निहोत्री करना चाहते थे। तुम्हारे बारे में मेरी सोच और उम्मीद दोनों ही अनुचित थी। विनाश से अब इस धरती को कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं। रणधीर, तुम्हें लगता है तुम्हारा प्लान काम करेगा? ये बहुत रिस्की है अमृता, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, यही बेस्ट तरीका है। प्लीज ट्रस्ट मी यार, मुझे अंश के पीछे जाना। रणधीर रुक जाओ, बात को समझने की कोशिश करो। बाबा और घाटी के लोग अश्वत्थामा के रग रग से वाकिफ है, उसकी हर कमजोरी हर ताकत के बारे में जानते हैं। वो लोग सदियों से अश्वत्थामा के रत्न की रक्षा करते आ रहे हैं, और तुम? लेकिन तुमने रिजल्ट देखा क्या हुआ? ब्रह्मास्त्र अश्वत्थामा के हाथ लग गया है, वो कुछ भी कर सकता है। सिर्फ ताकत और आर्मी से हम नहीं जीत सकते हैं, हमें कुछ और सोचना होगा, समथिंग बेटर, कुछ प्लान करना होगा हमें। तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम्हारा प्लान वो कर जाएगा जो ये सदियों से नहीं कर पाए? अमृता, मैं उनसे लड़ नहीं रहा हूँ, मैं, तुम, ये सब, घाटी के सारे लोग, हम सब एक ही साइड पर है यार। मुझे बस अश्वत्थामा को हराना है और ब्रह्मास्त्र ही यूज करना होगा मुझे। जब मैंने उस ब्रह्मास्त्र को टच किया ना यार, तो एक अजीब सी फीलिंग हुई यार, कुछ स्पेशल सी। ऐसा लगता वो ब्रह्मास्त्र मैं पहले भी छू चुका हूँ, वो पहले ही मैंने उठाया है, किसी के ऊपर यूज किया है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इस काम के लिए चुना गया है। रणधीर, तुम मुझे डरा रहे हो, यहाँ पर फीलिंग्स के लिए कोई जगह नहीं है। तुम क्या बातें कर रहे हो? अमृता, मैं भी एक साइंटिस्ट हूँ, मैं सिर्फ साइंस पर विश्वास करता हूँ। मुझे भी पहले जब अश्वत्थामा के बारे में पता चला तो मैंने विश्वास नहीं किया, लेकिन ये चीजें हो रही है ना हमारे सामने, सब कुछ हो तो रहा है यार। अश्वत्थामा को हराने का और कोई तरीका नहीं है, मुझे वो ब्रह्मास्त्र यूज करना ही होगा यार। हाँ बेबी बेटा, कुछ पता चला? अंकल, मैं बहुत ट्राई कर रहा हूँ, अब देखो ना, समझ में नहीं आ रहा है कि सर और मैम किधर है। एक काम करो, जिया और उनके लोगों को ढूंढो, वो वहीं गए होंगे, रणधीर के पीछे गए होंगे जरूर। That's actually a brilliant idea, पता नहीं मेरे मन में कैसे नहीं आया, मैं ट्राई करता हूँ, एक मिनट अंकल। हाँ। अंकल ये देखिए, ये जिया की लोकेशन तो शिमोजा के पास जो घना जंगल है ना, वो जंगल बता रहा है। I've heard it's very dangerous, वहाँ पे कोई आता जाता भी नहीं है। हाँ, सुना तो मैंने भी है कि इस जंगल में जो भी जाता है वापस नहीं आता, आज तक पता नहीं चला कि कोई जंगली जानवर है या कोई भूत प्रेत। एक्चुअली अंकल, ये लोग वो रत्न के पीछे जंगल गए, ठीक है, और ऐसा तो नहीं है, वो जो रत्न के प्रोटेक्टर्स है वो, मतलब जब कोई भी वो रत्न को ढूंढने जंगल में जाता है वहाँ पे उसे मार देते, बिकॉज दे हैव टू प्रोटेक्ट द रत्न, क्योंकि रत्न जंगल में है। हो सकता है, अरे लेकिन हम अमृता और रणधीर तक पहुंचेंगे कैसे? अंकल देखिए, एक बात तो बिल्कुल क्लियर है, जो जिया, चेतन और वो जो सब लोग हैं, वो लोग वो रत्न को ढूंढने के लिए जंगल के अंदर गए, और रणधीर सर फॉर ऑब्वियस रीजंस उनके पीछे गए। तो हमें बस इतना पता लगाना है कि अगर एक बार हमने जिया और इन सबको स्पॉट कर लिया तो हम रणधीर सर को भी ढूंढ ही लेंगे, है ना? बेबी, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, मुझे वो रत्न चाहिए, वो कोई भी ढूंढे उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे अपनी मीशो को ठीक करना है, समझ में आया? इंसान भगवान को समझ सकता है, पर एक पति के लिए बीवी को समझना एकदम इम्पॉसिबल है। आज मैंने देखा ना मेरे साथ क्या किया, 10 मिनट डिस कर दिया, बहुत बहादुर समझती है ना अपने आप को। मैं जाऊंगी, उस रत्न को लाऊंगी, मीशा को ठीक करूंगी, और जब जाने की बारी आई तो वो तो डर गई और मुझे भेज दिया।
बट अंकल एक तरह से अच्छा ही हुआ ना कि आप और नैनता आंटी नहीं है, बिकॉज यार जंगल इतना सब डेंजरस होगा ना, हमें इतना वॉक करना पड़ेगा उन दोनों को ढूंढने के लिए। और जब वो तैयारी कर रही थी ना, तो पता है उन्होंने साड़ी सैंडल परफ्यूम ये सब पैक करी थी, सात सूटकेस पैक करी थी उन्होंने जंगल में आने के लिए। रैंप वॉक छोड़िए, हमारा इतना इंपॉर्टेंट मिशन है ना ये। हाँ तुम्हें पता है रात को जब वो सोती है ना, तब मेकअप करके सोती है ताकि सपने में अच्छी दिखे। अरे एक भैया कौन समझाई ने, अच्छा हुआ कि मैं यहाँ अकेला ही चला आया। तो क्या है ना, नयन से थोड़ा ब्रेक भी हो गया। वो जाके ना नयन को मत बोलना, देखो मजाक एक तरह, मैं नयन के हजार नखरे उठा सकता हूँ, पर सच बताओ मैं यहाँ क्यों आया, मुझे वो रत्न चाहिए ताकि मैं अपनी बेटी को ठीक कर सकूं। मैं अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। निशा की हालत ना अब मुझसे देखी नहीं जाती। I swear अंकल, पता ये सारे प्रॉब्लम तो वो सिर्फ रत्न की वजह से होते, बस एक बार मिल जाएगा ना वो सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। पावरफुल बनने के लिए मैंने इतना पैसा खर्च किया, इतना टाइम वेस्ट किया, इतने मॉन्स्टर्स बनाए, लेकिन कुछ काम का नहीं निकला। अगर मुझे अश्वत्थामा मिल जाए तो उसके रत्न से देश को क्या, मैं पूरे वर्ल्ड पे रूल कर सकती हूँ। जिया कहाँ है, दिखाई नहीं दी। ओह राइट, फिर वही अश्वत्थामा के साथ फ्लर्ट कर रही होगी। हाउ डेस्परेट। द किस वाज नॉट बैड। मैंने कितनी बार कहा है तुम्हें कि मेरे काम के बीच में मत आया करो, बट यू अपना एटीट्यूड और अपना स्टाइल अपने पास रखो, हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। अरे ये क्या कर रही हो तुम, मैं तो अपने बॉडीगार्ड को किस करने के बारे में बोल रही थी, तुमने क्या सोचा। ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे इंटेंशंस बहुत अच्छे से जानती हूँ। जब से तुमने अश्वत्थामा को देखा है उसके पीछे ही पड़ गई हो, बट रिमेम्बर वन थिंग, वो सिर्फ मेरा है और मैं किसी भी कीमत पे उसे किसी और का नहीं होने दूंगी, और वो किसी भी कीमत किसी की जान से भी हो सकती है, समझी? या और एक्सप्लेन करूं? कम ऑन दिशा, ये तुम भी जानती हो और मैं भी, हमारा दिल किस पे आता है हम उस पे कंट्रोल नहीं कर सकते। हाँ मुझे पता है तुम्हें बहुत दुख होगा जब तुम्हारा दिल टूटेगा, बट यू नो व्हाट, मेरी भी एक पुरानी आदत है, मेरा दिल जिस पे आता है मैं उसे पा लेती हूँ, चाहे वो पावर हो या इंसान। चैलेंज और मुझे कूल देन, मैं तुम्हें हिप्नोटाइज करके तुम्हें पागल बना दूंगी, जो कि तुम ऑलरेडी हो। क्या कर रही हो तुम दोनों यहाँ, आपस में क्यों लड़ रही हो? एक बात ध्यान से सुन लो, हम यहाँ किसी उद्देश्य से आए हैं, लड़ने मरने के लिए नहीं, समझी? लगता है इस घाटी के योद्धा कहीं आसपास हैं। हमें चौकन्ना रहना होगा। तुम लोग ध्यान रहे, कोई भी आवाज नहीं चाहिए मुझे, एकदम शांत, मैं देख कर आता हूं। मैंने हैवान को देखा अभी वहां पे। क्या? हाँ चेतन जल्दी चलो, पूरा दिन ट्रैक करने के बाद रात को आराम से सो भी नहीं सकते। हाँ जी, कहाँ जा रही है? हम तुझे नहीं छोड़ेंगे, तेरा मरना निश्चित है,
तुम यहां कैसे? तुम तो रणधीर के साथ थे। कुछ जरूरी बात करनी है। चलो मेरे साथ। आई होप सब प्लान के अकॉर्डिंग हो जाए। फिर हार गया मैं अमृता को, उसकी याददाश्त वापस आ गई। अपने इतने करीब आने के बाद भी अमृता को हार गया मैं। वो रणधीर के पास चली गई है, लेकिन मैं अमृता को नहीं हार सकता। अमृता सिर्फ और सिर्फ मेरी है। मैं उसे पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूं और कुछ भी करूंगा। रणधीर को मैं जान से मार देता, मगर वो गुफा के वॉरियर्स ने उसे बचा लिया। So sad. You know what? हमें इसे अपने टीम में ले लेना चाहिए। ये हमारा बहुत काम आएगा। बिल्कुल नहीं, हम इस पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। ये इमोशनल फूल है, कभी भी साइड पलट सकता है। ओ कम ऑन प्लीज, मुझे अंश पे भरोसा है। मुझे पता है कि अमृता के लिए कितना डेस्परेट है। अमृता इसकी वीकनेस है। जब तक इसको अमृता नहीं मिलती, हम इस पे भरोसा कर सकते हैं। और हाँ, इसके दिल में रणधीर के लिए सिर्फ नफरत है। लिसन, हमें इस वॉर में सबसे पावरफुल फाइटर्स की जरूरत है, इसलिए हमें अंश को अपने साथ शामिल करना चाहिए। जब तक इसके दिल में अमृता के लिए प्यार है और रणधीर के लिए नफरत, he can be really useful. You know what I'm saying, right? I know कि तुम मेरी बात पे यकीन नहीं करोगे, इसलिए मैं तुम लोगों को दिखाने के लिए कुछ लाया हूं। मेरा रत्न, ये मेरा रत्न है। सदियों युगों बाद इसे देख रहा हूं। मेरा रत्न मेरे मस्तक पर विराजमान होता था। ये मेरा, सिर्फ मेरा है। अब से तुम हमारी सेना का भाग हो, तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। तुम्हारी अमृता तुम्हारे पास लौट आएगी। चलो दिशा, हमें ये रत्न ढूंढने के लिए तत्काल चलना चाहिए। हाँ, इन लोगों को मुझ पर भरोसा हो गया है। मेरी बात पे यकीन कर लिया इन्होंने। वेल डन, परफेक्ट। बाय। थैंक गॉड, प्लान का पहला पार्ट तो क्लियर हो गया। अब अंश मेरे साथ है। तू मेरी बात सुनना यार, तुझे अपनी मनमानी करनी कर ले, लेकिन मैं तेरी एक भी नहीं सुनूंगा। तू चाहे मेरी जान ले ले, चाहे मुझसे लड़ ले, या कुछ भी कर ले, लेकिन एक बात तू डिनाई नहीं कर सकता कि हमारी दोस्ती रियल है। तू ये डिनाई नहीं कर सकता कि मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। तेरी नफरत, तेरा गुस्सा, वो तेरी मर्जी है, लेकिन हमारा रिश्ता बदलना तू अकेले डिसाइड नहीं कर सकता। तू मेरा दोस्त है और हमेशा रहेगा, समझा तू? देख अंश, ये बात हमारे रिश्ते की नहीं है, ये बात पूरी दुनिया की है। अगर अश्वत्थामा के पास वो रत्न पहुंच गया ना, तो कोई नहीं बचेगा। मैं, तू, कोई नहीं, अमृता भी नहीं, सब खत्म हो जाएंगे। प्लीज प्लीज मेरी बात मान ले यार, प्लीज मेरी हेल्प कर दे। देख, अश्वत्थामा उस रत्न के पास कभी भी पहुंच जाएगा। मुझे तेरी हेल्प की बहुत ज़रूरत है यार। तू अगर मेरे लिए नहीं करना चाहता तो अमृता के लिए कर दे, हमारे पुरानी दोस्ती के लिए कर दे, प्लीज। रणधीर, एक सेकेंड, तुम्हें सच में लगता है कि हम इस पर भरोसा कर सकते हैं? सीरियसली अमृता, क्या हो गया तुम्हें? अपने दोस्त को भूल चुकी हो क्या? भूल गई क्या कि हमने कैसे टाइम स्पेंड किया? वो मुझसे कितनी भी नफरत कर ले, लेकिन वो तुमसे नफरत नहीं कर सकता। पूरी दुनिया से लड़ सकता है वो तुम्हारे लिए। देखो, मुझे कैसे भी अश्वत्थामा को रोकना है, जिया के चक्रव्यूह को खत्म करना है, उसके लिए मुझे अंश की हेल्प चाहिए। और मेरी बात सुनो प्लीज, ट्रस्ट मी प्लीज। अंश, प्लान क्या है? तुझे जिया और अश्वत्थामा को ये भरोसा दिलाना होगा कि तू उनके साथ है।
फिर मैं अश्वत्थामा के ऊपर ब्रह्मास्त्र से अटैक करूंगा। अगर अश्वत्थामा कंट्रोल में आ गया ना तो उसे या घाटी के लोगों के हवाले कर देंगे। फिर अगले युग तक कोई भी अश्वत्थामा से नहीं डरेगा। ओके नहीं अंश, ये हर कोई टच नहीं कर सकता यार। ठीक है तू? तू कैसे छू सकता है इसे? पता नहीं, शायद किस्मत। पर ये इंपॉर्टेंट नहीं है यार। इंपॉर्टेंट ये है कि हम ये ब्रह्मास्त्र अश्वत्थामा के अगेंस्ट यूज कर सकते हैं। तू एक काम कर, सबसे पहले चुपके से इस घाटी से बाहर निकल जा एंड मेक श्योर कि घाटी के वॉरियर्स तेरे पीछे भागे। घाटी के बाहर जाते ही जिया और अश्वत्थामा को यह लगना चाहिए कि तू उनके साथ है। मैं तुझे वही मिलूंगा इस ब्रह्मास्त्र के साथ। साथ में मिलकर अटैक करेंगे, ठीक है? जल्दी से अश्वत्थामा को ढूंढना होगा। अगर किसी ने भी देख लिया ना तो पूरा प्लान फ्लॉप हो जाएगा। वो जो बड़ा वाला टेंट है ना, वो उसी में होगा। Are you sure? हाँ। वहां जाने से पहले एक सब कुछ क्लियर कर लेते एक बार। देख, पहले हम वहां जाएंगे, उसके बाद मैं उसके ऊपर ब्रह्मास्त्र यूज करूंगा जिससे वो लंबी और गहरी नींद सो जाएगा। ओके? फिर सब ठीक हो जाएगा, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ओके? चला चल। ये कहाँ से आ गया? इसे कैसे कंट्रोल करूंगा? अब अंश इसे कैसे लड़ेगा? ओह माय गॉड, क्या करूं?